हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। हर हफ्ते की तरह इस बार भी एक फिल्म का रिव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस बार की फिल्म है नक्काश। कहानी क्या है? एक आदमी है, बनारस में रहता है, मंदिर में नक्काशी का काम करने में महारत रखता है। अपने बेटे को बताता रहता है कि भगवान जो है वो अल्लाह के भाई हैं। मंदिर के पुजारी का दावा है कि इस काम में उससे ज्यादा हुनरमंद आदमी कोई नहीं, दिक्कत सिर्फ एक है, मुसलमान है। नाम है अल्लाह रखा सिद्दीकी उर्फ अल्लाह मियां। उसकी ये आइडेंटिटी उसके लिए परेशानी का विषय तो है ही, साथ ही कई और लोगों के माथे पर शिकन की वजह भी है। एक तरफ तो अल्लाह रखा के अपने मजहब वाले उससे खफा हैं कि वो काफिरों की इबादत गाह में काम करता है, उधर कुछ हिंदू लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे एक मुसलमान उनके पवित्रतम मंदिर में घुस पाता है। न सिर्फ घुसता है बल्कि भगवान के मंदिर की दीवारों को अपने हाथों से सजाता संवारता है। जाहिर है नफरत की दो तरफा तलवार के घाव अल्लाह रखा के मुकद्दर में बहुत आयात में होने ही होने हैं। ये घाव किस हद तक घातक होते हैं ये फिल्म देखकर जान लीजिएगा। राइटर डायरेक्टर जैगम इमाम इससे पहले दोजख और अलीफ जैसी फिल्में दे चुके हैं। उनकी तीनों ही फिल्मों में कुछ चीजें कॉमन हैं, जैसे बनारस, गंगा, मंदिर और मजहबी कट्टरता से लड़ने की, उसे खारिज करने की छटपटाहट। हर फिल्म के साथ ये छटपटाहट ज्यादा विजिबल होती जा रही है। फिल्म के शुरुआती फ्रेम में ही उनका कंसर्न स्पष्ट हो जाता है जब एक मुसलमान गंगा के पानी से वुजू कर रहा होता है। बिना किसी संवाद के बात आप तक पहुंच जाती है। जैगम के लेखन की खासियत ये है कि वो हर तरह की कट्टरता को एक समान बेबाकी से सामने रखते हैं। ये उनके किरदारों में दिखता है। जैसे एक तरफ अल्लाह रखा के बेटे को मदरसे में दाखिला न देने वाले मौलवी हैं, तो दूसरी तरफ इस देश पे पहला हक हिंदुओं का है कहने वाला मुन्ना त्रिपाठी भी है। इनामुल हक बिलाशक इस फिल्म के कोहिनूर हैं। अल्लाह रखा जैसे उनकी रूह से चिपटा हुआ है, एक हुनरमंद आदमी जो मजहब को अपने ढंग से परिभाषित करता है, जिसके लिए दूसरा धर्म महज एक अलग रास्ते की तरह है जो अंत पंत एक ही ईश्वर तक पहुंचेगा। इनामुल हक इस किरदार की मासूमियत, उसका गम, गुस्सा, हताशा सब पूरे कन्विक्शन से व्यक्त कर पाते हैं। जब वो स्क्रीन पर होते हैं उनसे नजरें नहीं हटती। उनके दोस्त समद के रोल में शारिब हाशमी परफेक्ट हैं। एक मासूम दोस्त जो हालात की सितमदरीफी के बाद कट्टरता की राह पर चला गया, जिसका पहले जमीर बिका और फिर ईमान। शारिब ने अदाकारी का अपना हिस्सा बेहद कामयाबी से निभाया है। कुमुद मिश्रा वेदांती जी के रोल में खूब जमे हैं। वो पंडित जी जिनका अल्लाह रखा में भरोसा किसी हाल में नहीं डगमगाता, जो अपने बेटे को सीख देते हैं कि राजनीति कर्म की होनी चाहिए, धर्म की नहीं। कुमुद हर फिल्म के साथ अपना कद और ऊंचा किए दे रहे हैं। मुन्ना भैया के रोल में पवन तिवारी पर्याप्त एग्रेशन ले आए हैं। पवन इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और आजकल आसपास दिखते कितने ही अतिवादी नेताओं का प्रतिरूप लगते हैं फिल्म में। फिल्म का अंत विचलित तो करता है लेकिन चकित नहीं करता। दरअसल इससे अलग अंत शायद हो भी नहीं सकता था। ये अंजाम इस बात को रेखांकित करता है कि तोड़ने वालों के पीछे लोगों का मेला खड़ा मिलता है, लेकिन जोड़ने वाले अकेले हैं, असहाय हैं। जैगम इमाम और इनामुल हक की ये फिल्म समय निकालकर देखी जानी चाहिए। जब मुल्क के दो प्रमुख समुदायों में आपसी अविश्वास मुकम्मल तौर से नष्ट होने की कगार पर हो, तब ऐसे किसी भी प्रयास की भरपूर हौसला अफजाई होनी चाहिए जो मजहबों की कट्टरता को खारिज करने की बात करे, जो हाथ काटने की नहीं हाथ थामने की अहमियत समझाए। अल्लाह रखा के लफ्जों में ही कहा जाए तो इंसान जैसी चाहेगा वैसी ही बनेगी ये दुनिया। तो इस दुनिया को बेहतर बनाने का पैगाम देती इस फिल्म को और इसकी तमाम टीम को साधुवाद। नक्काश वाकई बेहद जरूरी फिल्म है, जाइए देख आइए।